है कि लड़ाई लड़ते लड़ते और पारदर्शिता की मांग के लिए जब हम आंदोलन कर रहे थे तो आपने हमें 15 दिन के लिए जेल में भेजा था, और अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए। और कल जो हम लोग का महा आंदोलन है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे 11 बजे से, उसका जो प्रमुख मांग है प्रमुख मांग यही है कि काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, और काउंसलिंग के लिए जो मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं उनका मार्क्स जारी कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए, और जल्द से जल्द बैंक ड्राफ्ट दीजिए। 1000 का बैंक ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, तब ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिखाया जाएगा। अब वो भी क्या किया जाएगा, जब आप मार्क्स पहले दिखा दिए ओएमआर सीट बाद में दीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, जितना मार्क्स दिखाए उतना ही दिखाए, तो पहले आप ओएमआर सीट क्यों नहीं दीजिएगा जब लिखा रहता है परीक्षा देने जाते कैंडिडेट कॉपी। तो कैंडिडेट कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि बीपीएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार का कॉपी है, स्टूडेंट का कॉपी है तो स्टूडेंट को दीजिए, परीक्षार्थी को दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पैसों का। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को दिल से धन्यवाद कि आप लोग बराबर छात्र हित से जुड़े मुद्दे को उठाते रहते हैं, और छात्र हित से जुड़ा जो भी आंदोलन होता है आप लोग उसको अच्छा से कवरेज करते हैं और दिखाते हैं, जनता के सामने लाते हैं, सरकार के सामने लाते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो मुद्दा है वो है कि कल यानी 15 नवंबर को जो आंदोलन हो रहा है छात्र महाआंदोलन गर्दनी बाग में धरना स्थल पे 11 बजे से, तो आप लोग कल उसमें भी आइए। और आज उस मुद्दे पे हम बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 7.5 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है जो 2014 में वैकेंसी आई थी 13,120 पदों के लिए, और बार बार छात्र आंदोलन करते हैं उसके बाद ये इस बहाली में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और पिछली बार जब 23 सितंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था गर्दनी बाग में ही, तो उससे पहले ही आंदोलन के दबाव में बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, लेकिन आज 14 नवंबर है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की है। तो हम तो आग्रह करेंगे आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से जाके एक बार पूछिए कि नवंबर प्रथम सप्ताह का मतलब क्या होता है, वो क्या समझते हैं। तो खैर, इसीलिए हम लोग फिर से एक आंदोलन कर रहे हैं ताकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7.5 साल पहले की है वो बहाली जल्द पूरी हो, इसमें फर्जी अभ्यर्थी जो है उनको बाहर किया जाए, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली ना हो, और जो सही उम्मीदवार है जो अपने मेरिट से पास करके आए हैं उनका सिलेक्शन हो, और काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो, और काउंसलिंग के लिए जो पीटी और मुख्य परीक्षा पास करके आ चुके हैं उनका रैंक लिस्ट जारी हो, उनका मार्क्स जारी हो, नहीं तो फिर बैकडोर एंट्री होते रहेगा। जैसे 1218 अभ्यर्थियों का आप लोगों ने देखा कि अचानक से कहां से जीन आ गया कि 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे दिया गया, जब लोग ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे तब पीटी का रिजल्ट दिया जाता है। तो अभी भी हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप जो मेंस पास कर चुके हैं, टाइपिंग फिजिकल हो चुका है, तो आप सबका मार्क्स जारी कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए, नहीं तो फिर आप फिर बैकडोर से एंट्री करवा दीजिएगा। और जल्द से जल्द आप रैंक लिस्ट जारी कीजिए, काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाइए, और पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली पूरी होनी चाहिए। पारदर्शिता कहने का मेरा मतलब है चाहे वो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली हो, दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली, हर एग्जाम में पारदर्शिता चाहिए। और पारदर्शिता के लिए हमारा जो मांग है कि कार्बन कॉपी दिया जाए ओएमआर सीट का, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। और ऐसा करने में आखिर क्या दिक्कत है बिहार के भर्ती आयोग को, जब यूपीएससी क्वेश्चन दे देती है तो फिर बीएसएससी को और ये दरोगा भर्ती वाले आयोग को देने में क्या आपत्ति है। अभी यूपी में एक एग्जाम हुआ है, देखिए आंसर की दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया, सब कुछ दे दिया जाता है। झारखंड में एग्जाम हुआ वहाँ सब कुछ दे दिया जाता है, बिहार में ही बीएड का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन बुकलेट दे दिया गया, आंसर की जारी कर दिया गया, आपको आंसर तक बता दिया गया, उसके बाद आपको मार्क्स भी बता दिया गया, कटऑफ भी बताया गया। तो फिर बीपीएससी भी बिहार में ही है, संवैधानिक संस्था है, वहाँ भी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, आंसर की जारी किया जाता है, और आपत्ति भी मंगाया जाता है, उसके बाद रिजल्ट के साथ साथ कटऑफ और सभी का मार्क्स बताया जाता है। तो फिर ये बीएसएससी बहाली में और दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री होती है, पैसा लेके सीट बेचा जाता है। और दरोगा बहाली में जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि खुलेआम गुंडागर्दी हुई, और बीपीएसएससी के जो चेयरमैन है, दरोगा बहाली भर्ती आयोग के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, वो अपने आप को तालिबान का शासक की तरह समझते हैं, यानी कि वो किसी को नहीं समझते हैं, कि उसको लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री वही है। अगर कल को बीपीएसएससी क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोई नीतीश कुमार मार दे तो उसको वो गलती मार देगा, वो सुनीत कुमार सुनना चाहेगा कि सुनीत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। सीधा सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं सुनीत कुमार, जो दरोगा बहाली भर्ती आयोग के चेयरमैन है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रूफ है, जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया फिजिकल के लिए उनका जो है फिजिकल नहीं लिया गया। अब सोचिए, ये गुंडागर्दी ही तो है, बोला जाता है कि हमने एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किया है। अभी भी सचिवालय से कोई लेटर गया है जो वायरल हुआ है, क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन वो दिखाया गया है उसमें जो जाँच हुई उसमें से सभी अभ्यर्थियों का जो आरोप था वो सही पाया गया है कि कट ऑफ से ज़्यादा रहने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, गड़बड़ी हुई। तो बीपीएससी से जवाब मांगा है, इसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक डिजिटल जो अखबार है उसमें ये आया था कल या परसों।
तो मैं हम मांग कर रहे हैं पुनः नीतीश सरकार से भी मांग कर रहे हैं सभी भर्ती आयोग से कि आप पारदर्शिता लाइए और 2213 दरोगा बहाली जो होने वाली है पीटी जो 26 दिसंबर को निर्धारित है तो बीपीएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी सुन लीजिए हम आपको चेता रहे हैं आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जो धांधली आपने 1717 दरोगा में किया 2446 दरोगा बहाली में किया आप सोच लीजिएगा कि 2213 दरोगा बहाली में करेंगे तो आपके लिए ये कब्र खोद देगा आप सुधीर कुमार और परमेश्वर राम की तरह आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए क्योंकि अभी भी हम लोग 1717 और 2446 दरोगा बहाली को नहीं भूले हैं कोई भूल जाएगा दिलीप कुमार नहीं भूलेगा उस धांधली को दिलीप कुमार ये नहीं भूलेगा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते और पारदर्शिता की मांग के लिए जब हम आंदोलन कर रहे थे तो आपने हमें 15 दिन के लिए जेल में भेजा था और अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए और कल जो हम लोग का महा आंदोलन है पटना के गर्दानी बाग धरना स्थल पर 11 बजे से उसका जो प्रमुख मांग है प्रमुख मांग यही है कि काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और काउंसलिंग के लिए जो मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं उनका मार्क्स जारी कीजिए रैंक लिस्ट जारी कीजिए और जल्द से जल्द बहाली पूरा कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में ये 53,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी रोज़ तकलीफ झेल रहे हैं दिन रात परेशान है वो दिन रात वो बीएसएससी का जो है साइट चेक कर रहे हैं कि कब कोई नोटिफिकेशन आएगा और काफ़ी दुख झेल रहे हैं और इसमें से सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में भी चले गए होंगे कोई बिजनेस कर लिए होंगे तो उनको अगर अच्छा पद यहाँ नहीं मिलेगा उनके मन मुताबिक तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे हो सकता है रैंक देख के वो काउंसलिंग में ही ना जाए तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रहने का डर है तो 7.5 साल से कोई जॉब का इंतजार कर रहे हो और दूसरी तरफ अगर एक भी सीट खाली रह जाती है तो ये कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ बिहार के छात्र छात्राओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी बहुत बड़ा अन्याय होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप एक भी सीट खाली न रहे इसका आप भरपूर इंतजाम कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाइए और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कीजिए सबका मार्क्स जारी कीजिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और तमाम परीक्षार्थियों से बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अब नहीं आप लड़िएगा तो कब लड़िएगा मुझे इस बहाली से कोई मतलब नहीं है मुझे इस बहाली से व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है शोषण हो रहा है गलत हो रहा है 7.5 साल से एक बहाली को पूरा नहीं करना ये बहुत बड़ा अपराध है और इसलिए मैं आप लोग के हित के लिए आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के लड़ रहा हूँ लेकिन आप लोग को इस बहाली से नौकरी लेनी है उसके बावजूद अगर आप घर बैठे रहिएगा तो आपके लिए कल को कोई लड़ने भी नहीं आएगा और एक तरह से ये गुलाम मानसिकता की पहचान होगी आप अपने आप को गुलाम बना दीजिएगा तो ऐसा मत कीजिए अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइए और जो भी बिहार के छात्र छात्रा हम सभी से अपील कर रहे हैं ये मत सोचिए कि ये बीएसएससी वालों का आंदोलन है कल को दरोगा बहाली में भी धांधली हुई थी उस समय भी दिलीप कुमार आपके लिए खड़ा था सिपाही बहाली का 6-7 महीने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है उसके लिए भी दिलीप कुमार आवाज़ उठा रहा है तो अब जरूरत है शिक्षक अभ्यर्थियों का देखिए शिक्षक बहाली के नाम पर दलाली हो रही है ज्वाइनिंग लेटर तैयार है लेटर नहीं दिया जा रहा है 2 दिन पहले ही एक शिक्षक ने आत्महत्या कर लिया रेलवे में देखिए एनटीपीसी की परीक्षा हो गई आंदोलन के बाद रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है ग्रुप डी का परीक्षा का तिथि घोषित नहीं हो रहा है तो हर जगह युवाओं के साथ शोषण हो रहा है तो अब जरूरत है कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हम हाथ जोड़ के विनती करें कि एक प्लेटफॉर्म पर आइए एक मंच पर आइए और एक साथ आवाज़ उठाए राष्ट्रीय छात्र एकता मंच इसीलिए हम लोगों ने बनाया है ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है ये बिहार के देश के तमाम छात्र युवाओं का संगठन है कि जहाँ भी छात्र युवाओं के साथ अन्याय होगा वहाँ राष्ट्रीय छात्र एकता मंच खड़ा होकर लड़ेगा और कल 15 नवंबर को आप लोग 10:30 से 11 बजे के बीच जरूर आ जाइए क्योंकि 11 बजे से आंदोलन हम लोग का शुरू होना है और इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन से अनुमति भी ले लिया है जिसके लिए हम लोगों ने अनुमति ले लिया है और आप लोग जरूर आइए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है घर मत बैठे रहिए आप लोग घर मत बैठिए क्योंकि अभी भी देखिए हमारी कमजोरी है हमारी ये कमजोरी है कि 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी है बिहार में 25 लाख स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं फिर भी जब आंदोलन होता है तो कितने लोग हमारे साथ आते हैं तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप अन्याय और शोषण के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि अन्याय और शोषण के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए तो कल आप 15 नवंबर को जरूर आइए अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं अन्याय और शोषण के खिलाफ मत लड़ो गुलाम बन जाओ मानसिक रूप से गुलाम बन जाओ तो आप घर बैठे रहिए और तमाशा देखिए हाथ जोड़ के विनती आप घर बैठ के ही तमाशा देखिए लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो कल जरूर आइए 15 नवंबर को 10:30 से 11 के बीच पटना के गर्दानी बाग धरना स्थल पर अगर आप नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कल के बाद आप ये मत बोलिए कि बीएसएससी या नीतीश सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है क्योंकि जब आप अपने साथ हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप सरकार को दोषी क्यों बनाइएगा आयोग को दोषी क्यों बताइएगा तो इसलिए आपको आना चाहिए और जरूर आइए हम पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि किसी एक की लड़ाई नहीं है ये बिहार के तमाम छात्र छात्राओं की लड़ाई है ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है क्योंकि जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी आगे भी कोई बहाली आएगी
तो वो भी 7 साल 6 साल 5 साल लग सकता है। तो अंत में यही कहूंगा, आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद, और सभी परीक्षार्थियों से छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि कल 15 नवंबर को आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल 10:30 से 11 के बीच जरूर पहुंचिए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप लोग मीडिया बंधुओं को कोई सवाल करना हो तो आप लोग बेहिचक कीजिए, हम लोग तैयार हैं आपका सवालों का जवाब देना हम चाहेंगे। सारा कुछ तो पहले ही बता दूँ, नहीं फिर भी अगर कोई सवाल हो। पिछले देखिए, हमने नेताओं पर आरोप जरूर लगाया, बहुत बार लगाया है, और वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जमीनी स्तर पर जो होता है उसके आधार पर हम बोलते हैं। आप बताइए, बिहार का कौन नेता है जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के साथ सड़क पे उतरा है? कोई एक नेता का नाम आप लोग बता दीजिए, कोई नेता बिहार का हो, चाहे वो छात्र नेता हो, युवा नेता हो, या किसी पार्टी का बड़ा नेता हो, उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, विपक्ष के नेता हो, या किसी भी पार्टी के नेता हो, क्या वो अपने पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं के साथ कभी सड़क पर उतरे हैं? कभी नहीं उतरे हैं। क्या इन लोगों ने कभी समर्थन किया है? नहीं किया है। तो एक दिन आप आंदोलन में भीड़ देख के कोई आ जाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी, जो भी आए, चिराग पासवान जी, संदीप सौरभ जी और रितु जसवाल जी आई उस दिन 23 सितंबर को, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आने का मकसद उनका क्या था? हम किसी से डरते नहीं हैं, जो आपने सवाल किया उसका हम जवाब देना जरूरी समझते हैं। तो फिर चिराग पासवान जी उसके बाद क्या किए? क्या बीएसएससी के सचिव से जाके मिले? नहीं मिले। बीएसएससी ने नोटिस पहले ही जारी कर दिया था, 23 सितंबर के आंदोलन से पहले ही नोटिस जारी कर दिया आंदोलन के दबाव में कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। क्या बिहार के किसी नेता ने आवाज़ उठाई कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होनी थी, क्यों नहीं हुई? क्या बीएसएससी के चेयरमैन से जाके पूछा, बीएसएससी के सचिव से जाके किसी नेता ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। इसलिए मैंने आरोप लगाया था कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाइए तब मानेंगे। हम किसी नेता का विरोधी नहीं है, किसी नेता का समर्थक भी नहीं है, किसी पार्टी का ना समर्थक है ना विरोधी, लेकिन जो अच्छा काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो युवाओं के साथ गलत करेगा हम उनका विरोध भी करेंगे। हम नीतीश सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है, ना ही उनकी पार्टी से है, ना ही मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना किसी पार्टी का नेता हूँ। हम नीतीश सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश जी 15-16 सालों से मुख्यमंत्री है, और अभी अगर सरकार कुछ गलत करती है, कोई भर्ती आयोग कुछ गलत करता है, तो लोकतंत्र में सरकार से ही सवाल होगा, और विपक्ष से भी सवाल होता है, लेकिन सरकार से ज़्यादा होगा इसलिए कि सरकार गलती कर रही है, और विपक्ष से सवाल इसलिए होगा कि सरकार जब गलत कर रही है तो विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष को जनता की आवाज़ बनना चाहिए, तो विपक्ष चुपचाप क्यों मुर्दा बना हुआ है? विपक्ष को क्या डर है? क्यों नहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहा है? दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली होती है, परीक्षार्थी मांगते हुए MR sheet का कार्बन कॉपी छाया पड़ती तो जवाब आता है कि RTI के दायरे में नहीं आता है, किसी को जवाब आता है कि आपका जो मार्क्स है वो अपलोड कर दिया गया था अगस्त में, एक परीक्षार्थी को जवाब आया है, वो भी जब प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास गया तब उनको जब वहाँ से आदेश दिया गया कि इसका आप मार्क्स दिखाइए, MR sheet दीजिए, तब उनको क्या आया है? 1000 का बैंक ड्राफ्ट दीजिए, 1000 का बैंक ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, तब MR sheet का कार्बन कॉपी वो दिखाया जाएगा। अब वो भी क्या किया जाएगा, जब आप मार्क्स पहले दिखा दिए, MR sheet बाद में दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है उसको मैनेज कर लीजिएगा, जितना मार्क्स दिखाएं उतना ही दिखाएं, तो पहले आप MR sheet क्यों नहीं दीजिएगा? जब लिखा रहता है परीक्षा देने जाते कैंडिडेट कॉपी, तो कैंडिडेट कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार का कॉपी है, स्टूडेंट का कॉपी है, तो स्टूडेंट को दीजिए, परीक्षार्थी को दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पैसों का खेल है, 25 लाख में जो सीट बिकता है दरोगा में वो खुलेआम बिक रहा है, सब जानते हैं, 55 से 60 लाख में BPSC में सेटिंग होता है। और इसका प्रूफ आप लोग खुद देखिएगा, रामाकिशोर सिंह BPSC के सदस्य थे, मेंबर थे, पूर्व विधान पार्षद है, प्रोफेसर भी हैं, वो उस समय मेंबर थे, 25 लाख इंटरव्यू में मांग रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीतीश सरकार का विजिलेंस बोल रहा है, उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है जो चंडीगढ़ या हैदराबाद के लैब से आके मतलब मैच कर गया था। और ये मुद्दा सबसे पहले बिहार के सबसे फेमस ट्विटर मंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, जब RJD और JDU की सरकार थी, और जब BJP सरकार में आ गई तो सुशील मोदी जी के मुंह पे चिप्पा लग गया, नहीं मुंह से आवाज़ निकलता है, और वो BJP जाके ज्वाइन कर ली। तो मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है? रामाकिशोर सिंह के मुद्दे पर बिहार का कोई नेता अगर बोला हो तो बताइए, मैं आज के बाद आंदोलन करना छोड़ दूंगा। बिहार का कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो बोला हो कि रामाकिशोर सिंह पे कार्रवाई हो, क्यों नहीं बोला भाई? जब वो खुलेआम 25 लाख रुपया इंटरव्यू में मांग रहे हैं, तो आपने सवाल किया उसका जवाब दिए, आप कुछ सवाल हो तो बोल सकते हैं। कल कितने अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन करने की तैयारी है? देखिए, कल हजारों अभ्यर्थी होंगे, संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन हजारों अभ्यर्थी जरूर होंगे, हजारों अभ्यर्थी होंगे, संख्या हम नहीं बता सकते कितनी होगी, तो कल ही पता चलेगा। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।